नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक मी रिव्यू चैनल में स्वागत है। आज मैं अपकमिंग रियलमी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूंगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फरवरी मंथ में आने वाले स्मार्टफोन्स में से पहला फ़ोन है रियलमी V5। इस फ़ोन की स्क्रीन साइज 6.5 इंच की दी जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल होगा। ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा और ये एंड्रॉयड 10 वर्जन के साथ आएगा। इस फ़ोन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर दिया जाएगा। अगर इसकी रैम स्टोरेज की बात करें तो यह 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज में आएगा। यह तीन कलर ब्लू, ग्रीन और सिल्वर कलर में मार्केट में आ सकता है। और इस फ़ोन के बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें पहला कैमरा 48 MP का होगा, और सेकंड कैमरा 8 MP का, और थर्ड कैमरा 2 MP का, और फोर्थ कैमरा 2 MP का होगा। अगर इसमें फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो वह 16 MP का हो सकता है। कि बैटरी 5000 mAh की दी जाएगी, जो 30 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी, जो फ़ोन को 0 से 100 तक 65 मिनट में चार्ज कर देगी। और इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो है 16,000 के समथिंग आएगी, और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2 फरवरी बताई जा रही है। सेकेंड फ़ोन है रियलमी का X7 5G फ़ोन। इस फ़ोन की स्क्रीन डिस्प्ले 6.4 इंच की होगी, जो फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले के साथ आएगा। यह फ़ोन भी पंच होल डिस्प्ले के साथ मार्केट में आ सकता है। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U चिपसेट का प्रोसेसर दिया जाएगा, जो बहुत बेहतरीन होता है। रियलमी X7 5G स्मार्टफोन 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज में मार्केट में आ सकता है। पहला कैमरा होगा 64 MP का, सेकंड कैमरा 8 MP का, थर्ड कैमरा 2 MP का, और फोर्थ कैमरा भी 2 MP का होगा, 32 MP का हो सकता है। इसमें 4300 MHz की बैटरी दी जाएगी और साथ ही 50 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। रियलमी X7 की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो वह 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज की प्राइस समथिंग 15,000 रुपये होगी, और इसके अंडर भी आ सकती है। और 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज की प्राइस अराउंड 22,000 रुपये की समथिंग होगी। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 4 फरवरी है। अपकमिंग स्मार्टफोन्स में X1 प्रो का भी नाम लिया जा रहा है, जिसकी डिस्प्ले 6.5 इंच की आ सकती है, जो फुल HD डिस्प्ले होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा, जो एंड्रॉयड 10 के वर्जन के साथ आएगा, और इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+ होगी। यह फ़ोन 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आएगा। इस फ़ोन के बैक साइड में भी क्वाड कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा 64 MP का, सेकंड कैमरा 8 MP का, थर्ड कैमरा 2 MP का, और फोर्थ कैमरा भी 2 MP का होगा, और इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा भी 32 MP का होगा। कि बैटरी 4500 MHz की दी जाएगी। रियलमी X7 प्रो में 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में अराउंड 23,000 के समथिंग आ सकती है। कि रिलीज डेट 4 फरवरी बताई जा रही है। फोर्थ अपकमिंग रियलमी स्मार्टफोन C17 है, जिसकी स्क्रीन साइज 6.5 इंच की बताई जा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz के बीच होगा। इसमें भी एंड्रॉयड 10 का वर्जन दिया जाएगा। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर दिया जाएगा। यह फ़ोन 6 GB रैम और 120 GB स्टोरेज के साथ मार्केट में आएगा। इस फ़ोन के बैक साइड में 3 कैमरे दिए जाएंगे, जिसमें पहला कैमरा है 13 MP का, सेकंड कैमरा 8 MP का, और थर्ड कैमरा 2 MP का होगा। रियलमी C17 का फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 MP का होगा। इसकी बैटरी 5000 mAh की दी जाएगी, जो 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। रियलमी C17 की एक्सपेक्टेड प्राइस 14,000 के समथिंग बताई जा रही है। इसकी लॉन्च डेट 21 फरवरी बताई जा रही है। एंड लास्ट अपकमिंग रियलमी स्मार्टफोन X3 प्रो है। इसकी स्क्रीन की साइज 6.5 इंच की दी जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का हो सकता है, जो फुल HD डिस्प्ले के साथ आएगी।
X3 Pro एंड्रॉइड के 10 वर्जन के साथ आएगा, जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर होगा। इसमें एड्रेनो का 640 GPU हो सकता है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार यह फ़ोन 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ मार्केट में आएगा। इस फ़ोन के बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें पहला कैमरा 64 MP का, सेकंड कैमरा 13 MP का, थर्ड कैमरा 8 MP का और फोर्थ कैमरा 2 MP का दिया जाएगा। इस फ़ोन के फ्रंट साइड में 16 MP और 8 MP कैमरा दिया जाएगा। यह फ़ोन 4200 MHz की बैटरी साथ आएगा। इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो वह है 31,000 के अराउंड आएगी। इस फ़ोन की लॉन्च डेट 5 फरवरी बताई जा रही है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।